हे एवरी वन वेलकम टू विल बी लेट्स टॉक अबाउट इंडियन मकबैंगस बिकॉज पिछले बार हमने जब ये जॉन राट मकबैंग के बारे में बात किया था तब सम पीपल हैड सम डाउट्स एंड कुछ लोगों को थोड़े प्रूफ भी देखने थे कि कैसे मकबैंगस इतना खाना खा लेते हैं सो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वॉन्ट एड्रेसिंग प्रीवियस वीडियो में मैडी इट्स से रिलेटेड काफी देखने मिले बट वो जो वीडियो था ना वो एक जनरल था वो स्पेसिफिकली मैडी के ऊपर नहीं था पर क्यूँकी मच फेमस इन दिस जॉनरा तो हो सकता है की लोगों ने उसको ही जल्दी से आइडेंटिफाई किया एंड अराउंड ही कमेंट्स थे एंड दे स्टार्ट एट जस्टिफाइंग की मैडी इड्स एक्चुअल में इतना नहीं खाती एंड कुछ लोगों ने ये भी मुझे इन्फॉर्म किया की कि शी फॉलोज ओमर डायट इस वजह से शी कैन ईट सो मच सो लेट मे क्लेफाई समथिंग ओमार्ट डाइट के बारे में जो भी बात करा है ना तो उसका मतलब ये होता है कि वन मील अ डे डाइट और ये जनरली वो लोग फॉलो करते हैं हु टू लूज लूज वेट वेट आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड बिकॉज जल्दी से कम करने के लिए लोग यूज करते हैं ये डाइट डाइट को इस में वो पर्सन एक ही मील खाता है पूरे दिन में नॉर्मली अ पर्सन में हैव फोर मील्स इन अ डे ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स एंड डिनर बट ओमार्ट डाइट में क्या होता है कि या तो वो पर्सन सिर्फ लंच करना प्रेफर करता है या डिनर या कोई और मील एंड वो एक मील के अलावा बाकी तीन मील स्किप कर देता है एनिना वे दिन का एक ही मील वो खाता है अभी कुछ मन पहले ना एक मेडिक में ये सवाल पूछा गया था कि हाउ शी मेन्टेन्स वेट। इसके आंसर में शी सेड कि वो ओमार डायट फॉलो करती है और वो महीने में आठ या नौ बार ही ऐसे खाने वाले वीडियोस शूट करती है एंड जिस दिन शी हैज़ टू शूट शी फॉलोज ओमार डाइट नाउ एज सेड ओमार्ट डायट जो है ना वो स्पेसिफिकली वेट लूज करने के लिए यूज किया जाता है अगर वो एक ही बार खा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है की वो एक ही बट क्वानिटी खाना था वो एक ही दिस इज नॉट ओमार्ट डायट बिकॉज फिर यह डायट का सेंस नहीं बनेगा एक ही बार में इतना सारा खाने से बेटर चार मील में खाओगे ना तो देट विल बी मोर हेल्थी क्यूकी एक ही बार में इतना डायजेस्ट पेट नहीं कर पाता एंड आई बॉट ऑफ दिस पॉइंट नॉट टू स्प्रेड हेट बट काफी

एंड अभी एक रिसेंट वीडियो भी था जहाँ शिव सिंह की उन्होंने की मैडी अपना खाना कर रही है एंड वेन आई वॉच दैट वीडियो प्रॉपरलीवन आई नोटिस दैट वो कुछ वीडियो ना थर्टीन मिनट लॉन्ग है उसे फास्ट फॉर्वर्ड करके आप देखोगे ना तो आपको भी दिखेगा स्टार्ट के जो दो तीन मिनट ना, उसमें ज्यादा कट्स आपको नहीं देखने मिलेंगे बट आफ्टर दैट मिनिमम कट्स दिखे मुझे उस वीडियो में में एंड बिकॉज ऑफ स्वॉलोइंग पार्ट नहीं दिखाई दे रहा जहां ऐसा लग रहा है कि खाना तो मैडी खा रही है बट उसे स्वॉलो कर रही है कि नहीं ये नहीं दिख रहा एंड एक्चुअल में वो जो कट्स थे ना वो स्वॉलोइंग पार्ट पे ही लगाए गए थे एंड ये मेनली मटन या ग्रेवी जब मैडी खा रही थी तब नहीं हो रहा था बिकॉज वो इजिली स्वॉलो कर सकते हैं बट जब भी वो लच्छा पराठा कुछा या पूरी खा रही थी तब वो कट्स देखने मिल रहे थे एंड ऑब्वियस बात है ये सारे थिंग्स काफी चुह होते हैं फूड तो को बाहर डालने का ट्राई करेगा ही करेगा बिकॉज दैट इज हाउ आर बॉडी रिस्पॉन्सो हुन फास्ट फॉर्वर्ड दट ईटिंग वाला सीन एंड लाइटिंग में डिफरेंस आपको दिखेगा एंड काफी ज्यादा कट्स दिखेंगे एंड लेट मी बेरी क्लियर की नॉट फॉलोइंग और स्पिटिंग द फूड इज दट रॉन्ग तो फॉर मी इट इज नॉट रॉन्ग इट इज फाइन इट इज हर चॉइस एंड कुछ लोग यहाँ ये भी बोल सकते हैं अगर मैडी खाना सोलो नहीं करी, स्पेट करी है तो यहाँ खाना वेस्ट हो रहा है तो दैट डोंट नो हो सकता है, कि वो सारे जो बच जाते है वो सब वो किसी स्ट्रे एनिमल्स को दे देती होगी एंड इफ शी इज डूइंग नॉट गेटिंग वेस्टेड सो चलो आई होप क्वेरीज यू हैदर ये सब के अलावा इवन आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट अ मेथ एक मिथ देखने मिला है लोगों के मन में एंड इट इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू इंडियन मुखबांगस जनरली सब लोग ईट सो मच उनको देख के लोगों को लगता है कि इनके पेट को इतना खाना डाइजेस्ट करने का आदत हो गया होगा इनका स्टमक का पाउच एक्सपांड हो गया होगा इस वजह से दे कैन ईट सो मच सो दिस इज अथ फॉर पीपल थिंक की एपेटाइट कम है मतलब वो पर्सन का स्टमक का पाउच छोटा है एंड बहुत ही ज्यादा एपेटाइट है तो उसका स्टमक का पाउच एक्सपांड हो गया है खा खा के

एंड फ्लोर को अगर आप इंग्रेडिएंट ले रहे हो लाइक चपाती वगैरह आप खा रहे हो तो वन क्वार्ट कन्वर्ट्स टू जीरो पॉइंट फाइव के जीज तो यहाँ वी ऑल नो कि मुखबांगर्स जो है वो सिर्फ पानी ही तो नहीं पीते दे राइस पराठा कुलचा सब कॉम्बिनेशन में वो खाते हैं बट समझो एक ने ऐसा कुछ वीडियो बनाया जहाँ वो ये बोल रहा है कि I am eating Then this means कि ऑफ़ तक उनका पेट आराम से कंज्यूम कर सकता है बिरयानी को उसका उतना कैपेसिटी है बट आफ्टर दैट जो भी वो खा रहा है ना इट इज लाइक पुशिंग दर बॉडी टू होल्ड मोर फूड इट इज केस में ना उनका स्टमक स्ट्रेच होगा टू होल्ड बट जैसे ही पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा ना इट विल गो बैक टू इट्स एक्चुअल सो डजेंट मैटर रोज ये लोग इतना खाना खाएंगे बिना स्टिल उनके पेट को इसका आदत नहीं पड़ेगा एवरी टाइम दे ईट मोर देन दे हैव टू पुश स्टमक मसल्स टू अकोमोडेट सो मच एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल इफ यू ना तो मैट स्टोनी है कितने सालों से वो इतने लार्ज क्वांटिटी में खाना खा रहे हैं बट स्टिल एवरी टाइम ही स्टिल्स वेन हीस भी अगर आप उसके देखोगे ना तो आप देखोगे कि वो स्ट्रगल करते ही है एंड वो बंदा काफी जेनविन है लाइक like, एक्चुअल में ही ईट सो मच बिकॉज उनका एक फॉर्मुला है कि वो आराम आराम से नहीं खाता

दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फास्ट एंड स्लो ईटर्स एंड मैट स्टो ने अपना वेट कैसे मेंटेन किया है यह अगर आपके मन में सवाल आ रहा है तो इसका दो ही आंसर हो सकता है या तो उसका मेटाबॉलिजम बहुत ही ज्यादा अच्छा है या दूसरा पॉसिबिलिटी यह है की आफ्टर डूइंग ऑल दिस चैलेंजेस ही फोर्सफुल थ्रोज आउट वॉट एवर ही इट्स इससे क्या होता है ना कि पेट में इतना सारा खाना तो चला जाता है बट थोड़े वक्त बाद बाहर निकालने की वजह से ना स्टमक नेवर है

इंस्टा पेज जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल तो को प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक यू